अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हरा भरा कबाब की रेसिपी। ये हरी सब्जियों से बनाया जाता है। ये कबाब आप स्टार्टर्स के तौर पर भी बना सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी कबाब होता है। तो आप लोग विंटर की फ्रेश सब्जियों के साथ ये इस कबाब को बना सकते हैं घर पर बहुत ही आसानी से। खाने में ये कबाब इतना टेस्टी है कि घर वाले आपसे यही बार बार कबाब बनवाएंगे। तो हम किस तरह से ये कबाब बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर देना है, ज़्यादा तेल नहीं ऐड करना है। इसी के साथ हमें एक चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है, साथ ही इसके हमें एक चम्मच सौंफ ऐड कर देना है। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कबाब में। 1 मिनट के लिए हमें इस तरह से भून लेना है इसको, यानी सौते कर लेना है। अब इसमें हमें एक कटोरी फ्रेश मटर ऐड कर देना है। इसी के साथ हमें 7 से 8 लहसुन के जवे ऐड कर देना है। आधा इंच हमें अदरक का टुकड़ा ऐड कर देना है। 3 से 4 हरी मिर्च हमें इसमें ऐड कर देनी है। अब इसे हमें अच्छे से सौते कर लेना है, यानी हमें अच्छे से मटर को फ्राई कर लेना है तेल में। इसी के साथ अब हमें पालक के पत्ते ऐड कर देना है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पर हमने 500 ग्राम पालक ली हुई है, इसकी हमें डंडी निकाल लेना है। सिर्फ हमें पत्ते ही यूज़ करने हैं इसमें। अच्छे से हमें इसे भी मिक्स कर लेना है इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए। और पालक को हमें एकदम सॉफ्ट कर लेना है। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि पालक भी अपना पानी छोड़ेगा, तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 से 3 मिनट लगेगा फ्रेंड इसे सॉफ्ट होने में। तो यहाँ पर पालक हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है और थोड़ी सी हमें इसमें 1 मुट्ठा हरा धनिया ऐड कर देना। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें एक जार ले लेना है। ये जो हमने कबाब का मिक्सचर तैयार किया है इसको हमें इसमें ऐड कर देना है। ध्यान रहे आपको मिक्सचर ठंडा करके ही इसमें ऐड करना है। अब इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका हमें एक पेस्ट टाइप का बना लेना है। तो ये सारा मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसका हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं। तो अब हमें एक बाउल ले लेना है, जो हमने सब्जियां ग्राइंड करके रखी थी इसमें हमें ऐड कर देना है। इसको हम सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे इसमें। इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा हमें इसको दरदरा ही रखना है। अब इसमें हमें 1 कटोरी अरारोट ऐड कर देना है। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हमें इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड करना है इसकी बाइंडिंग के लिए। अब इसमें हमें आधा चम्मच नमक ऐड कर देना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। इसी के साथ हमें आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देना है। साथ ही हमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देना है। जितना आपको तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से मिर्च ऐड करें। इसमें हमें चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसमें हमें 1 चुटकी हींग भी ऐड कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे मिक्स करने में, बहुत जल्दी ये मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको मिक्स कर लिया है और ये डो शेप में आ चुका है। तो हाथों को हमें ग्रीस कर लेना है तेल से, ताकि कबाब जब हम बनाएं तो वो चिपके नहीं हाथों में। तो हमें जितना पोर्शन लेना है कबाब का उतना हमने ले लिया है। अब इसे हमें गोलाकार शेप में दे देना है और इस तरह से हमें हथेली से फ्लैट कर देना है इसको। अब हमें एक काजू ले लेना है, इसको हम बीच में इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखने में जितना अच्छा लगेगा खाने में उतना ही मज़ेदार लगेगा। तो इस तरह से हमने इसकी टिक्की तैयार कर ली है। तो और भी हमें टिक्कियाँ बना लेनी है इसकी। तो बहुत जल्दी ही इसकी टिक्कियाँ बन जाती हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी टिक्कियाँ बन जा रही हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही हमें। तो ये हमने सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर ली है। तो अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो हमें इसको शेलो फ्राई करना है। तो ये हमने फिर से कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसमें हमें 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच तेल ऐड किया। आपको अगर डीप फ्राई करना है तो आप इसमें ज़्यादा तेल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। तो तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम सारी टिक्कियाँ इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके। इस तरह से इसमें हमने ऐड कर दिया है सारी टिक्कियों को। अब इसे हमें 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेना है, ताकि हमारी टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो सके एक साइड से। तो 4 से 5 मिनट हो चुका है टिक्कियों को फ्राई होते हुए। तो अब हम इसकी साइडें चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है एक साइड से। तो हमें इसी तरह से सारी टिक्कियों को उलट पुलट कर देना है।
तो फ्रेंड इस तरह से आप रेस्टोरेंट स्टाइल से भी आप हरा भरा कबाब घर में बहुत ही आसानी से और कम मसालों में बना सकते हैं। तो ये हमारी सारी टिक्कियाँ हमने पलट दी हैं, अब इसे हमें दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे भी हमें अब बाहर निकाल लेना है। सारी टिक्कियों को हम एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये हमारा हरा भरा सा कबाब बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। खाने के साथ साथ ये जितना टेस्टी है उतना ही ये हेल्दी कबाब भी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सर्व कर लिया है प्लेट में। आप इसे हरी चटनी या लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप इसे शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं, खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।